अब तो सरकारी तंत्र प्रधानों के अधिकारों को मान सम्मान छीनने में लगा हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भी प्रधानों का शोषण करने व झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाने में पीछे नहीं है। ऐसी ही एक घटना जिला हाथरस के भोजपुर गांव में घटित हुई, जिसमें दो पक्षों की लड़ाई का समझौता कराने गए ग्राम प्रधान को ही पुलिस ने प्रधान के साथ अमानवीय व्यवहार करके उन्हें जेल में डाल दिया, जिससे प्रधानों में काफी रोष व्याप्त है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने जिले के प्रधानों के साथ इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक हाथरस को पत्र सौंपा, जिसमें बताया कि 27 मार्च को ग्राम भोजपुर में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसकी सूचना ग्रामवासियों ने डायल 100 को दे दी। पुलिस दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। वहीं थाने के SI शैलेंद्र प्रताप सिंह ने भोजपुर के ग्राम प्रधान को दोनों पक्षों का समझौता कराने के लिए थाने बुला लिया। जिसमें SI शैलेंद्र प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधान से आप भद्रता व भद्रीवर्ती गालियां देकर उनको संबोधित किया। इतना ही नहीं, उनका धारा 151 के तहत चालान काट कर उन्हें जेल में डाल दिया गया, जिससे जिले के प्रधानों सहित अखिल भारतीय प्रधान संगठन में काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से आरोपित SI शैलेंद्र प्रताप सिंह को जल्द से जल्द निलंबित करने एवं घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष रतेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान राजकुमार, विष्णु दास, उदय सिंह, विशाल, अशोक शर्मा व शैलेंद्र के साथ काफी संख्या में प्रधान मौजूद रहे। गाँव में झगड़ा हो गया था दो पक्षों में, तो 100 नंबर पर फोन किया गया। 100 नंबर पर वहाँ पुलिस पहुँची तो दोनों पक्षों को फिर थाने बुलाया। भोजपुर के प्रधान जी से ये कहा, जो प्रधानपति है श्री गणेश लाल जी, उनसे कहा कि आप थाने आ जाइए, दोनों पक्षों को फैसला कराना है। जब प्रधान जी वहाँ पहुँचे थाने में, तो वहाँ पर जो एक SI तैनात थे शैलेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जाते ही सबसे पहले प्रधान जी से गालियाँ देना प्रारंभ कर दिया। तमाम भद्दी गालियाँ दी उनको और जबरदस्ती धक्का मार करके उनको हथकड़ी डाल करके और हमारा तो बंद कर दिया। जब प्रधान जी का तो कोई फोर्ट नहीं था, उनको तो फैसले के लिए बुलाया गया था। और 8-10 प्रधान थे, जब प्रधान साथ ने उसे अप्रोच किया, उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, तो उनको भड़काया गया, उनको बंद कर दिया जाएगा। और इतनी तानाशाही जो आज तक नहीं देखी गई, वो कल थाना हाथस गेट में देखने को मिली। और बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया उनके साथ में। ये प्रधान उनके पति थे, वो इनके साथ बहुत बदतमीजी थी। झगड़ा हुआ, दो बच्चे थे, झगड़ा हुआ, एक बच्ची थी और एक छोटा बच्चा था। उस बच्ची ने उस बच्चे को उठा दिया और दूसरे बच्चे ने उस बच्ची को मारा पीटा और काट दिया। मेरे पास फोन गया, मैसेज ही पहुंची हुई थी, तो वहाँ विवाद ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन वो जो है दोनों बच्चों को ले आए और वो 100 नंबर वाले लेके बच्ची को लेकर के जो काटी है उसको थाने ले आओ। मैं थाने आया, इतने में मेरे को बुला गया कि ये प्रधानी झगड़ा कराता है, तो मेरे को बंद किया गया, मेरे हथकड़ी डाली गई और मैं जो है 151 में मेरे को बंद कर दिया। आप प्रधानपति हैं? हाँ, मैं प्रधानपति हूँ। नाम क्या है आपसे? बनवाई लाल भौजी मेरा नाम है, श्रीमती नीता है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आप लेकिन पुलिस वालों ने जो मिसबिहेव किया है उससे मैं बहुत दुखी हूँ कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इनकी तो कोई गलती नहीं थी, वो फैसले के लिए आए थे यहाँ पर। 151 की धारा लगा दी 20 मिनट के अंदर। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस वालों से कहा जाए कि वो सही से बिहेव करें प्रधानों के साथ। मतलब पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के नाम से? हाँ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो। वो अन्य प्रधानों के साथ भी मिसबिहेव करते हैं। आप प्रधान हैं? हाँ, मैं प्रधान। नाम मेरा नीता है।